please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के बुलंदशहर में बड़ी संख्या में कांवड़िए पुलिस की गाड़ी को घेरकर उसमें तोड़फोड़ करने लगे। दावा है कि इन लोगों ने पुरानी रंजिश के मामले में बदला लेने के लिए हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को कांवड़ियों ने घेरकर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि एक पुलिसकर्मी ने कांवड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। तोड़फोड़ के समय कुछ पुलिस वाले गाड़ी में सवार थे, जो कांवड़ियों से खुद को घिरता देख मौके से भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरअसल कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से इन्होंने पुलिस वालों को घेर लिया और उसमें तोड़फोड़ करने लगे। बताया जा रहा है कि लोगों ने पुरानी रंजिश के मामले में बदला लेने के लिए हंगामा किया, इसके बाद पुलिस भी खुद को घिरता देखकर भागी। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, जो ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कांवड़िए हंगामा कर रहे हैं, क्या जानकारी मिल पाई है, ऐसा क्यों किया कांवड़ियों ने? बिल्कुल जसप्रीत, कांवड़ियों ने जिस तरीके से हंगामा काटा और बेहद गलत है, एक तरीके से कहा जाए कानून को अपने हाथ में लिया। और बताया जा रहा है कि किसी बच्चियों से पुरानी रंजिश थी, पहले कांवड़ियों ने उसकी पिटाई कर दी और फिर उस मारपीट में एक कांवड़िया भी घायल हो गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और मौके पहुंची पुलिस की जो डायल 100 की गाड़ी होती है उसको कांवड़ियों ने जबरन तोड़ डाला। पुलिस वाले आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को और गाड़ी को, लेकिन वो मान नहीं, लगातार लाठी डंडों से उनके शीशों पर गाड़ी पर प्रहार कर रहे हैं। अंत में खुद पुलिस वालों को भाग कर अपनी जान बचाने से 8 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। बिल्कुल अजीत, ये तस्वीरें हैरान भी करती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि इन कांवड़ियों को रोका जाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस तो इन कांवड़ियों से बचकर खुद ही भाग रही है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से शासन की नीति होती है, सरकार की नीति होती है, और कांवड़ यात्रा में सरकार का खुद एक तरीके से रहता कि यात्रा निकाली जाए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांवड़ यात्रा है, कोई सौ यात्रा नहीं है, तो प्रशासन अपने आप को एहतियात बरतता और कांवड़ियों के पीछे रखता है, ना कि आगे रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में कांवड़ियों का जब हंगामा होता है, बवाल होता है, तो प्रशासन कुछ कर पाने में असमर्थ दिखता है। यही वजह है कि बुलंदशहर की ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह पुलिस उनके सामने नतमस्तक है। बिल्कुल अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें बुलंदशहर की है, बड़ी संख्या में कांवड़िए पुलिस की एक गाड़ी को घेर कर उसमें तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि लोगों ने पुरानी रंजिश के मामले में बदला लेने के लिए इस तरह हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अमलोरा गांव के कुछ लोग वहां बने एक आश्रम के साधुओं से झगड़ने लगे। लोगों ने आश्रम में गलत काम होने का आरोप लगाया, जबकि आश्रम में रहने वाली साधुओं ने गांव के लड़कों पर छेड़खानी के आरोप लगाए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी। कई गांव वाले हाथ में डंडे लेकर आश्रम पहुंचे और वहां मौजूद साधुओं पर हमला कर दिया। इससे पहले आश्रम पहुंचे गांव वालों और वहां रहने वाले साधु साध्वियों के बीच गर्मागर्म बहस हुई। इसी दौरान कुछ लोगों ने साधुओं पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आश्रम में रहने वाले साधुओं से घटना के बारे में पूछताछ करने लगी और उनकी शिकायत पर गांव के कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया। कम लोग थे, वो गिने चुने थे, बाकी सब लोग तो उनको पहचानते थे। पुलिस की पूछताछ में आश्रम में रहने वाली साध्वियों ने गांव के लोगों पर छेड़खानी के आरोप भी लगाए। वहीं गांव के लोगों ने आश्रम में संदिग्ध गतिविधियां चलने का आरोप लगाया। यूपी के कानपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे कारोबारी 2000 और 500 रुपए के फटे हुए कई नोट दिखाने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैंकों पर कटे फटे और निशान लगे नोट नहीं लेने का आरोप लगाया और इसके विरोध में भारतीय रिजर्व बैंक के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों ने 2000, 500 और 200 रुपए के खराब नोट लहराकर भारतीय रिजर्व बैंक से उनके नुकसान पर जवाब मांगा। प्रदर्शनकारियों ने नए नोटों की छपाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की भी मांग की। ये अपने आप गल रहे, 2000, 500 के नोट सभी गल रहे, ये कहीं ना कहीं नोट छापने में, कागज की खरीद में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही कारोबारियों ने कटे फटे और निशान लगे नोटों को लेने से इनकार करने पर बैंकों को भी निशाने पर लिया। मुंबई के चैम्बूर इलाके में बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में लगी आग पर 14 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया।
इस हादसे में 43 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई, जिनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। इससे पहले बुधवार को जब रिफाइनरी में आग लगी थी तो वहां कई लोग फंस गए थे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के साथ ही उन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था। बुधवार को शाम करीब 7 बजे आग पर काबू पाने का दावा भी किया गया था, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद रिफाइनरी के दूसरे हिस्से में फिर से आग भड़क उठी। रिफाइनरी से उठती आग की तेज लपटों की वजह से काफी नुकसान होने की आशंका लगाई गई। मुंबई के चेंबूर स्थित बीपीसीएल ऑयल रिफाइनरी में जो आग लगी थी, अब उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो हाइड्रो क्रैकर प्लांट था जिसमें बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे एक बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद में आग लग गई थी। करीब 14 घंटे ये आग रही इस प्लांट में। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं और इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम है वो मिलकर इस आग पर काबू पाए हैं। और अभी इस वक्त जो कूलिंग प्रक्रिया चल रही है, इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि करीब 43 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से 22 लोग इस वक्त तक भी अस्पताल में मौजूद और इलाज करा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी हालत काफ़ी गंभीर है, उसे ICU में भर्ती किया गया। अमेरिका में कैलिफोर्निया के मैंटिका के एक पार्क में कुछ लोग एक बुजुर्ग सिख से मिलकर उनका हौसला बढ़ाने लगे। उन पर 2 लड़कों ने हमला किया था, जिसके बाद वहां के लोगों ने पार्क में जमा होकर इस हमले का विरोध किया। और 71 साल के बुजुर्ग साहिब सिंह को भरोसा दिया कि मैंटिका के लोग ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शक है कि साहिब सिंह पर सिख होने की वजह से हमला हुआ, इसलिए सिख समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में जुटे। मैंटिका के मेयर ने हमलावरों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने का वादा भी किया। इस बीच एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लड़के साहिब सिंह पर हमला करते दिखे। सोमवार को उन पर यह हमला तब हुआ जब वो एक पार्क के पास टहल रहे थे, तभी दोनों हमलावर उनसे बहस करने लगे। साहिब सिंह की उम्र की परवाह न करते हुए उनमें एक लड़के ने उन्हें ठोकर मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। इस हमले में साहिब सिंह को हल्की फुल्की चोट भी लगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हरिद्वार से कावड़ लेकर लौटे कावड़ियों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मुस्लिम लोगों ने यहां कावड़ियों को फूल माला पहना कर गले लगाया, फिर भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर कावड़ियों को भेंट कर सद्भाव की एक मिसाल पेश की। 15 फीट ऊंची लाइटों से जगमगाती हुई कावड़ लेकर हरिद्वार से कावड़िये लौटे थे। देश का नौजवान जाग गया है, देश का नौजवान समझ चुका है कि जो सियासी पार्टी है, जब चुनाव आता है तो ये तनाव पैदा करते हैं, इन लोगों में फर्क कर रहा है, वरना आम नागरिक मिलकर रहना चाहते। दिल्ली में जगतपुरी इलाके की परवाना रोड पर रात के अंधेरे में 3 चोर मोबाइल की एक दुकान का शटर तोड़ने लगे। आरोप है कि इन तीनों चोरों ने एक ही रात में इलाके की 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिनमें एक दुकान में की गई चोरी की घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। CCTV वीडियो में दिखा कि पहले 2 चोर दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो उनका तीसरा साथी उनकी मदद करने लगा। सुबह करीब 4:01 पर चोरों ने शटर को तोड़ दिया और फिर उनमें एक चोरी के मकसद से दुकान के अंदर घुस गया। दुकान में हाथ साफ करने के बाद तीनों चोर वहां से चलते बने। इस दुकान के अलावा इन चोरों ने पास की दूसरी दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। क्या कुछ ले गए? और मोबाइल और LED मोबाइल। अंदाजा कितने मोबाइल थे आपकी दुकान पर? मेरे ख्याल से मेरे 700 के करीब, जो मेरे को आईडिया है। चोरी की खबर मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया। डाकघर में रिश्वत लेते एक कर्मी पकड़ा गया। जयपुर में CBI ने विदेश डाक एवं पार्सल दफ्तर पर एक डाक सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बिहार के दरभंगा में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में हुई झड़प में 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सुबह को भी फूल बंगले सजने के आदेश दिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में करुणानिधि के चाहने वालों ने ढोल बाजे के साथ नाच गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोलकाता से 1400 किलोमीटर यात्रा कर वाराणसी पहुंचा क्रूज, पर्यटकों को घाटों की सैर करवाएगा। मुंबई के वडाला में कार और ऑटो रिक्शा की भीषण टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 भेजने से पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद पर अपने नए मिशन का खाका पेश कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक इसरो की योजना चंद्रमा के ऑर्बिट में यानी चंद्रमा की कक्षा में एक स्पेस स्टेशन बनाने की। चंद्रमा की सतह से कुछ दूर रहकर यह स्पेस स्टेशन चंद्रमा के साथ ही धरती के चक्कर लगाता रहेगा। यह स्पेस स्टेशन नासा के बनाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ छोटा होगा। इसमें 1 या 2 मॉड्यूल ही होंगे, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 मॉड्यूल।
चंद्रमा से जुड़े किसी भी शोध के लिए ये वैज्ञानिक इस स्पेस स्टेशन में 6 हफ्ते तक ठिकाना बना पाएंगे। इसरो के अलावा 12 देशों की स्पेस एजेंसी और 2 निजी कंपनियां इस मिशन में मिलकर काम करेंगी। स्पेस स्टेशन बनाने का काम 2019 में शुरू होगा और माना जा रहा है कि 2025 तक स्पेस स्टेशन बनकर तैयार भी हो